साहिबा, आप क्या हुआ? क्या है इन रिपोर्ट्स में? इस दवा का गैर जरूरी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल और उनकी डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। क्या डेड बॉडी का आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया था? नहीं, हमजा, आई डिड अपोलोजाइज टू पोपो, माफी मांग ली थी मैंने, लेकिन वो खुद ही कह रही थी कि वो खुद तंग आ गई हैं, इतना शोर मचाते हैं ये बच्चे। हालांकि दो बच्चे अभी रहते हैं जिनका कुरान खत्म होना है, तो कह रही थी जैसे ही उनका कुरान खत्म हो जाएगा ना, तो वो सारे बच्चों को मना कर देंगे आने से। हमजा, सुन रहे हो? हाँ, पप्पू ने शायद ये तुम्हारी वजह से सोचा होगा। हाँ शायद, लेकिन मैं भी क्या करती? तुम कौन सा ठीक से मुझसे बात कर रहे थे? इतने दिन की पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, मुझे भी तो गुस्सा आ गया। मैंने पप्पू पे निकाल दी, पर मैंने अपोलोजाइज कर लिया उनसे। अगर मैंने तुमसे बात नहीं की, तुमने कौन सा बात करने की कोशिश की? हमेशा मुझे ही एफर्ट करना पड़ती है ना, तुम तो कभी भी नहीं करती हो। अच्छा, तो शादी से पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि जब जब मैं नाराज होंगी तुम मुझे मनाओगे? अगर मैं भी जिद में आ गया और ना मनाया तो क्या हमेशा के लिए रूठ जाओगी? हो भी सकता है। गला ना दबा दूं मैं तुम्हारा? हो भी सकता है। छोड़ो मेरा हाथ। मारिया, देखो क्या बोल रहा है हमजा। कह रहा है मेरा गला दबा के मुझे मार देगा। बहुत झूठी है तुम्हारी बहन। हाय, शुक्र है तुम दोनों की हंसी तो सुनने को मिली। अच्छा लिसन, मामा कह रही थी तुम्हारी बर्थडे का डिनर हमारी तरफ होगा, तो आज शाम आ जाना। आई विल बी वेटिंग। ओ मारिया, प्लीज मामा को एक्सक्यूज कर लो, मैं और हमजा आज डिनर पे जा रहे हैं। वी वोंट बी एबल टू मेक इट। ओके बाय। ठीक है, ओके बाय। मामा डिनर पे बुला रही थी, मैंने मना कर दिया। थैंक यू, प्रिटी गर्ल। ऐसा कौन बेहतर लग रहा है? साथ अच्छे लगता है। तुम्हारा खून मैं रायगा नहीं जाने दूंगी। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हारी कातिल को। अजरा, समझ नहीं आती हमारी हस्ती खेलती जुगनू की खुशियों को किसने नजर लगाई। आप भी तो इतने दिनों बाद आई हैं। और हमसा भाई, वो तो एक दफा भी नहीं आए। बच्चे, मैंने कई बार सोचा कि मैं आऊं, लेकिन सच बात तो ये कि मेरा हौसला नहीं हो रहा था तुम्हें इस हाल में देखने के। हमजा दफ्तर से बड़ा बिजी होता है और तुम इद्दत में हो मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे तो फरहान से वो रोज मिलता है। कोई आए ना आए मेरी बच्ची, तुम्हें तो अकेले ही अपने दुख सहने हैं ना। ऐसे मत कहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जुगनू की भी जिंदगी में बहुत सी खुशियां फिर से आएंगी, जरूर आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे आरफा बहन। आमीन।
तुम्हारी बहू रूठ कर गई हुई है क्या? ये अजरा बिल्कुल ठीक है, घर पे है, क्यों? अच्छा, मुझे लगा शायद वो है नहीं घर पे। अरे हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा ना हुआ उसे कि आकर ताजियत के दो बोली बोल। अरे ऐसे भी क्या मेरी का घमंड है, ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना। मम्मी कभी तो सोच समझ के बोल लिया करो, जब भाई को मेरी भी उम्र लग जाए। और पप्पो तो आती है ना जिनसे हमारा रिश्ता है। मतलब सीरियसली यार, अभी भी शादी हो गई है यार उसकी। तो क्या वो तैमूर? यार बुजदिल डर के भागते हैं, यही सोच के मैं वापस आ गया। जो मुझे पाना वो मैं हासिल करके रहूंगा। I'm determined। दफा कर यार, दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो इससे अच्छी हैं और जो मेरे एक इशारे पे तेरे कदमों में दुनिया ढेर कर देंगी। दफा कर इसे। अब मगर मेरी जिद तो वो है ना, एक तो मैं कुछ ना कुछ तो करता हूं। अब मैसेज किसे कर रहा है? सोनिया की बर्थडे है, उसे विश कर रहा हूं। अम्मी आपको क्या जरूरत थी पप्पो से ये बात करने की? और तुमने उस रिश्ते का क्या पास रखा जो तुमने मेरे मासूम भाई के साथ जोड़ा था? नागिन बनकर डस लिया ना उसको, मेरे भाई की कातला हो तुम। क्या बकवास कर रही है जुगनू, ये इतना बड़ा इल्जाम, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? हिम्मत तो आपकी बेटी की हद से बढ़ गई है जिसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया। भाई का खून माफ नहीं होने दूंगी मैं। अगर मैं खामोशी से सबर करके तुम्हारे भाई का घर छोड़कर आई हूँ और यहाँ पे उसी के नाम की इद्दत गुजार रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके मुझ पे कीचड़ उछालो, कुछ भी कहो। जाओ यहाँ से, वो रहा दरवाजा, इसको भेजे, मैं इसकी मजीद बातें नहीं सुनूंगी। भेजे इसे अभी। सुननी पड़ेगी, मेरी हर बात सुननी पड़ेगी तुम्हें, और दुनिया भी वही बोलेगी जो सच है। और ये जो इद्दत का ढोंग रचाया हुआ है ना तुमने, इसका पर्दा भी मैं ही फाश करूंगी, तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हाँ होश में तो हो? जानती भी हो इस बात का क्या मतलब हो सकता है? सब जानती हूँ मैं, जब भी तो यहाँ तक चलकर आई हूँ। काश कि आप उसे ना आई होती, इसका रिश्ता लेके हमारे घर, इस नागिन का जिसने मेरे भाई को डस लिया, तो आज वो जिंदा होता। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, और जो तुम्हारा बीमार निपसियाती भाई था ना, उसकी मौत का सोग मनाओ जाके। जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम बच जाओगी? सबूत है मेरे पास, सबूत तुम्हारे भयानक जुर्म का।
तुम्हें भी कब्र तक ना पहुंचाया ना, तो मेरा नाम राबिया नहीं। This is lovely. Thank you. Welcome, sir. कैसा लगा? Incredible. बहुत प्यारा सेटअप है। तुम्हारी सालगिरह के लिए। Thank you. Give me 2 minutes. जल्दी आना। Happy birthday, sweetheart. बहुत खास होते हैं ना, दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपका खास दिन शरीक ना हो? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। Seriously? Come on! तुम बुलाओ, मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमजा, ये तुमने बुलाया है? मैं... Of course. हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। असल में हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए ना, जितनी भी नाराजगी हो जाए, मैं दूसरे का स्पेशल डे नहीं भूलता है, राइट? ये मेरी बर्थडे कभी नहीं भूलती है और मैं इसका कोई स्पेशल डे नहीं भूलता हूँ। Isn't that right, Sony? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था मोर। सीन मत क्रिएट करो और जाओ यहाँ से। Don't be so rude. सुना नहीं है तुमने सोनिया ने क्या कहा है? लीव। और सोनिया ने ही मुझे बताया आज का, right? अंदर मुझे कैसे पता चलता कि आप दोनों यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कोई? इसीलिए मुझे लोकेशन भेजी। बोलो तो मैं फोन पे दिखा दूँ? दिखा देता हूँ। क्या? How about you carry on with him then? हमजा, ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास किया तुमने। हमजा, क्या बोल रही थी ये राबिया जब मैं आया? बता ही दिया होगा अम्मी ने भी और भाभी ने भी। क्या देकर गई, दिखाओ मुझे। इंसान पर बुरा वक्त आता है ना, उसके अपने सगे रिश्ते भी शक करने लग जाते हैं। ये ना सब क्यों कह रही हो तुम? कैसी रिपोर्ट सही? खुरम की मेडिकल हिस्ट्री की तो पूरी फाइल बनी हुई थी, उसमें से कोई रिपोर्ट निकाल कर ले आई है मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए? मगर इस पर तो उसी दिन की डेट है जब खुरम की डेथ हुई थी। मुझसे नफरत का एक सबूत है ये उसका।
पता नहीं जिस दिन से उस घर में गई थी उस दिन से मुझसे एक बैर बांध लिया था उसने। अम्मी जानती हैं उसका क्या रवैया था मेरे साथ, इस साथ क्या क्या करती थी वो। मैंने तो बस बर्दाश्त किया कि बच्ची है। आप भूल गए खुरम के इंतकाल वाले दिन क्या किया था मेरे साथ? मुझे धक्के देकर निकाला, सबके सामने तमाशा बना दिया, कोई इज्जत नहीं रही मेरी। लेकिन अगर आपको भी शक है ना मुझ पर, तो ये रिपोर्ट के साथ मुझे कोर्ट ले जाए। वैसे भी अब कोई जीने की तमन्ना तो मुझे रही नहीं है, मर तो जाना ही चाहती हूँ मैं। खुदा के लिए जुगनू, ऐसा मत कहो। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरी बहन की तरफ कोई मैली आंख से भी देखे। तुम्हारा भाई अभी सलामत है। बस रहने दें आप भी। आपके होते हुए ही आपकी बीवी ने मुझे उस जहन्नुम में धकेला, सिर्फ इसलिए कि नंद का बोझ सर से उतरे। और अब ये लड़की सबर का इम्तिहान ले रही है। कोई बात नहीं, मुझे किसी के साथ की सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अकेले जिंदगी गुजार लूंगी, देख लूंगी मैं इन सारी चीजों को। अकेले ही आए, अकेले ही जाना है इस दुनिया से। चली जाऊंगी मैं भी खुरम के पास। के पास कहां से? और इसने जो कोर्ट में जाने की धमकी दी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। बड़ा इश्तियाक था आप लोगों से मिलने का, लेकिन काम में मसरूफियत की वजह से मैं वक्त निकाल नहीं पाया। बहुत लकी हो बच्चों, क्या हीरो मिला है। भी तारीफ तय नहीं हुई, अम्मी ने इतना लंबी ये लिस्ट पकड़ा दी हाथ में और पीछे ये मखलूक लगा दी मेरे। फिजा, ये तुम्हारे साथ कौन था? सरफराज, मेरे शौहर। हमजा मेरी बात सुनो। क्या सुनो? झूठी कहानी। क्या हो गया है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि मेरी खाली खुली मोहब्बत से तुम्हारा दिल भर गया सोनिया, उकता गई हो तुम, इसलिए। हमजा, यू इंसल्टिंग मी। और जो तुम्हारी आंखों से दिन रात छलकती हुई इंसल्ट मैं बर्दाश्त करता हूँ, ये सोच के कि तुम ऐसी नहीं हो सकती वो। हमजा, आपको क्या हो गया है? मैं वही सोनिया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदली। मुझे भी यही लगता था, लेकिन गलत था मैं, भूल थी मेरी। हमजा, मुझे इतना हर्ट करो जितना मैं सह सकूं। मुझे से मिडिल क्लास से मोहब्बत करना, फिर उसकी मोहब्बत के जुनून में अपनी क्लास से बगावत करके उससे शादी करना, तुम्हारे लिए सिर्फ एक एडवेंचर था सुनिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें ये सब बोझ लगने लगा है और बोरिंग भी, तुम्हारा दिल भर गया सो, इसलिए चोर रास्ते से तैमूर को बुलाती हो ना। बताओ, वरना उसे कैसे पता चलता है जहां पर हम दोनों थे, वो कैसे आता वहां पर? You're emotionally abusing me. Stop it. और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। Thank you.
हमजा, हमजा क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों बेटा? फूफो मैं बात नहीं करना चाहता इस बारे में। या अल्लाह मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। देखना, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जहां तुमने मुझे धुतकारा था। मैं अपनी चोट भूला नहीं हूं और ना तुम्हें भूलने दूंगा। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। असल में हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए ना, जितनी भी नाराजगी हो जाए, मैं दूसरे का स्पेशल डे नहीं भूलता है, राइट? ये मेरी बर्थडे कभी नहीं भूलती है और मैं इसका कोई स्पेशल डे नहीं भूलता हूँ। और सोनिया ने ही मुझे बताया आज का, राइट? मुझे कैसे पता चलता कि आप दोनों यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं? कोई इसीलिए मुझे लोकेशन भेजी, बोले तो मैं फोन पे दिखा दूँ, दिखा देता हूँ। सोनिया मेरे साथ ये कैसे कर सकती है? हमारा केस मजबूत है। रब्बू के दोस्त हैं वहीद अंकल, शहर के जाने माने वकील। केस फाइल तो करें। सबूत क्या देंगे केस फाइल करने के लिए? सबूत? ये सबूत, ये वही मेडिसिन्स हैं जो जुगनू भाई को देती रही जिससे उनका हार्ट फेल हुआ। इससे बढ़ के और क्या सबूत होगा अम्मी? तो ये कैसे साबित करेंगे कि जुगनू ही खुर्रम को ये दवा देती थी? हो सकता है खुर्रम खुद भी लेता हो। नहीं, हरगिज नहीं। आपको याद नहीं जब मैंने जुगनू को यही दवाई दूध में मिलाते हुए पकड़ा था, उसने ग्लास तोड़ दिया था? देखो बेटे, खुर्रम की मैयत पे काफी तमाशा हो चुका है। सारी दुनिया देख चुकी है कि तुम कितनी नफरत करती हो जुगनू से। तुमने उसे धक्के दिए, मैयत के करीब नहीं आने दिया। कोर्ट तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? देखो बेटे, ये झगड़ा सिर्फ बढ़ेगा, बदनामी होगी। और तुम लड़की साथ हो, अगर बदनामी की चीटें तुम पर बढ़ गई ना, तो ये हमें कब्र तक ले जाएंगे। बस एक बार हिम्मत कर ले, इस बुराई के लिए मैं ये नहीं कर सकती बेटे। मैं किस तरह खड़ी हुई हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। कोई ऐसी चीज मत करो जिससे भाई के रूप ही बेसक हो ना। इस बात को यही खत्म कर दो राबिया, बस।
What's wrong with you? What? मैंने क्या किया? तुम्हें मुझे आज बताना होगा कि तुम चाहते क्या हो आखिर? अब मैं तो पता मैं क्या चाहता हूँ। तुम इग्नोर करती हो, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? What you even mean? ये तुम जो भी प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें दिमाग में सोच रहे हो कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ था या है या हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं समझा है। What are you talking about? हम दोस्त हैं। नहीं, तुम मेरे कभी दोस्त नहीं थे। What are you talking about? हम दोस्त तो हैं ना? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। For God's sake, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे समझ में आ रहा, तुम इतना गुस्सा क्यों? उस दिन मेरी बर्थडे पे तुमने मेरे हस्बैंड के सामने क्या बकवास की थी कि मैंने तुमको वहां इनवाइट किया? ऐसा कब हुआ? कम ऑन यार, वो तो एक मजाक था। हाँ, तुमने मेरे हस्बैंड के सामने इतनी बड़ी बकवास कर दी और तुम्हें लग रहा है कि वो मजाक था? यार, मैं आया था, मुझे लगा शायद तुम दोनों एक दूसरे से खफा हो, मैंने एक मजाक किया। मैं बाद में आगे बताता कि मैं मजाक कर रहा था, मैं विश करता फिर मैं चला जाता। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम्हारी इस बात की वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि अभी तुम्हारी की हुई हरकत को मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन नायिका तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी, याद रखना है। क्या हुआ विजय इतने गुस्से में? इसे क्या हुआ? शीरी, शीरी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी खाला की इयादत के लिए जाना है। फरहानपी का मैसेज, ऑफिस से वापसी पर मुझसे मिलने घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो मेरा बच्चा। हाँ जी, तैयार हुई भी यहाँ पे जा रही हैं? मैं नहीं, हम तीनों जा रहे हैं। मैं तो मारिया, मारिया की ज्वेलरी की फाइनल सिलेक्शन करनी है ना, भूल गई? मैं भूल गई माँ, मैं जाके मारिया को देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। तैयार हो रही है, मैं देख के आई हूँ, जस्ट सिट। जब तुम आई थी बेटे, तुमने कहा था कि तुम एक रात के लिए रुकने आई हो, अभी 2 हफ्ते हो गए। Is everything all right? अगर आप मुझसे तंग हो रही है माँ तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपने पास रख सकती हूँ, पर ऐसे नहीं, sad and distracted, नहीं भाई, खुश खुश। मैं खुश हूँ माँ। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने आखिरी बार इतना नाखुश कब देखा था? आई थिंक द ओनली टाइम दैट आई सॉ यू दिस अनहैप्पी वाज जब मैंने तुम्हें हमजा से शादी करने के लिए मना किया था। आप वो सब अब तक नहीं भूली? भूल गई थी, लेकिन जब तुम्हें इतना नाखुश देखा तो फिर से याद आ गया बेटे। मैं खुश हूं माँ। हमजा से झगड़ा हुआ है तुम्हारा?
पहले तो तुम जब कभी भी रहने आती थी वो फौरन तुम्हें लेने आ जाता था, इस बार मिलने भी नहीं आया। मैंने उसे मना किया है, वो तो आ रहे थे लेकिन मैंने कहा मुझे माँ के साथ थोड़े दिन और रुकना है। झूठ बोलना नहीं आता ना तुम्हें, फौरन पकड़ा जाता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही माँ। उसके लिए इतना किया है, मैंने हमजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो मुझ पे शक करता है। फरहान भाई का मैसेज आया था, उन्हें कोई काम है मुझसे, उन्हें बता दो मैं आया हूँ। अंदर आ जाए, अंदर ही हैं। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, अब बस तुमने पैगाम दे दो मुझे। नहीं अच्छा नहीं लगता, वैसे भी लोग आते जाते देख रहे हैं। झुकूं मैं यहीं पे, बल्कि करो मैं खुद उन्हें कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आ गया। नहीं नहीं प्लीज नहीं कीजिएगा, वो उन्होंने नहीं मैंने बुलाया आपको। तो फिर बेहतर ये होगा कि मैंने कॉल करके बताऊं कि किस तरह झूठ बोल के तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, ताकि उन्हें भी पता चले ना कि सच क्या और झूठ क्या है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आपको आपको सोनिया की कसम है। तुम्हारी हरकतें समझ नहीं आती हैं मुझे, जगदू क्यों करती हो ऐसा? मुझ पर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है। जब भी मुझ पर कोई भी गम आता था सबसे पहले आप मेरी दिल जोई करते थे, मुझे तसल्ली देते थे, और आज जब सबसे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत कि आप ढारस बनेंगे मेरे, आपने तो मुड़ के मुझे देखा भी नहीं। जहां तक दुनिया के दस्तूर की बात है तो मैं खुरम की वफात पर भी आया था, उसके जनाजे में भी शिरकत की थी और तुम्हारी फैमिली से ताजियत भी की थी। रही बात तुम्हारी तो तुम इद्दत में हो चुगनू, बेहतर यही होगा कि खुदा की बनाई हुई हदूद को पामाल ना करे, अपने भाई के घर में आफियत से बैठी रहे। क्या मतलब? सोनिया खुश नहीं है हमजा के साथ, और अब ये मत कहना कि मैंने खुद से बनाई है ये बात, झगड़ के आई भी है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? निकला ना हमजा, वो ही टिपिकल मिडिल क्लास या तंग नजर मुतासिब, शक किया है उसने सोनिया के किरदार पे। आई कांट बिलीव इट, हमजा ऐसा लड़का है ही नहीं। सोनिया से पूछ ले, मेरी बात का यकीन नहीं है तो? वैसे तो इस वक्त वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उससे ना ही बात करें तो बेहतर है। मैं तो कहती हूँ लेट्स गिव हर टाइम, उसे खुद से फैसला करने दें, और जो भी फैसला वो करेगी बिल्कुल ठीक होगा।
कैसा फैसला है? कोई भी औरत अपने कैरेक्टर पे शक का एक भी छींटा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने स्टूपिड लड़के के लिए सब कुछ छोड़ा था, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं छोड़ेगी। आखिर को हमारी बेटी है वो। आपने बात की हमजा से? मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की? मैंने तो उसे एक्सेप्ट ही अपनी बेटी की वजह से किया था। अब अगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं है तो जो फैसला वो करेगी मुझे कबूल होगा। और अगर उसने हमजा के साथ रहने का फैसला किया फिर? मुझे नहीं लगता अब पहले जैसी हिमाकत करेगी वो। हमजा की असलियत जान चुकी है ना, अब उसके साथ रहने का फैसला नहीं करेगी। Turn again.